हिंदुस्तान। सोच हमेशा ऐसी रहनी चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा और जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा। तो आज हम सीखेंगे, हमारे पास जो इक्विपमेंट है यहाँ पे, आप जानते हो जिस दरवाजे से लोग आते हैं उस दरवाजे का नाम क्या है, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। क्या है? डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। अगर कोई वहाँ से आता है, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर का काम क्या है, तो उसके अंदर जितने बॉडी में मेटल है, समझ रहे हो, बॉडी में जितने भी मेटल है वो मेटल क्या होता है, वहाँ पे डिटेक्ट होता है। क्या होता है? डिटेक्ट होता है, समझ गए। तो ये डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर के बाद हमें पता चला कि उनके बॉडी में मेटल है, वहाँ पे बीप आवाज आएगा। क्या आएगा? बीप आवाज आता है, समझ गए। तो बीप आवाज आने के बाद हमें क्या करना होगा, अभी कोई शख्स वहाँ से आता है तो उनको क्या करना है, वेलकम टू हाई स्ट्रीट मॉल, इस तरह से हमें उनको चेक करना है और फिर बाद में थैंक यू सर उनको बोलना है, समझ गए आप लोग। तो ये हमारा काम रहना चाहिए कि जैसे वो कोई आता है वहाँ से डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से, फिर हमें किससे चेक करना होता है, ये हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर है। क्या है ये? हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर है। कौन सा है? हमें पता होना चाहिए, हम किसी को रोकते हैं, किसी को बताते हैं कि यहाँ पे डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से आने के बाद हमें आपको चेक करना है। क्या करना है? हमें आपको चेक करना है उनको, और हमारी आवाज पहुँचनी चाहिए, हमारी नज़र सामने। वेलकम टू हाई स्ट्रीट मॉल, यहाँ पे खड़े हो जाइए, हमें आपको चेक करना है। बैग इकट्ठे। तो ये चीज़ें हमें, हम लोग क्या करते हैं, बात नहीं करते, आवाज़ नहीं निकालते, हमारी आवाज़ निकलनी चाहिए कि सामने से कोई आता है तो वेलकम टू हाई स्ट्रीट मॉल। अगर आप कॉरपोरेट पे हो तो कॉरपोरेट पे वेलकम टू हाईलैंड कॉरपोरेट सेंटर, ये बोलना चाहिए। और उसके बाद गुड मॉर्निंग सर, उसके बाद मुझे आपको क्या करना है, चेक करना है। हाथ इस तरह से रखिए और बैग यहाँ पे रखिए। अगर बैग चेक होने के बाद आप उनको चेयर पे रखवा सकते हैं, उसके बाद में चेक होने के बाद उनकी बैग उनको ले जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं उनको, मुझे आपको चेक करना है, गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं, वेलकम टू करते हैं, उसके बाद हमारा काम होने के बाद उनको क्या बोलना है, थैंक यू सर। क्या बोलना है? थैंक यू सर। अभी आपको समझ में आए, हमारे पास जो डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर है उसमें से जो गेस्ट आते हैं उनके बॉडी में क्या होता है, मेटल होता है। क्या होता है? मेटल होता है। वो मेटल क्या होता है? डिटेक्ट होता है। क्या होता है? डिटेक्ट होता है। और उसके बाद में उनके बॉडी में कहाँ कहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है, पूरे बॉडी में, तो हम लोग किससे चेक करते हैं, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। और चेक करने के बाद हमें पता चला यहाँ पे बीप हो रहा है, वहाँ पे बीप हो रहा है, तो जहाँ जहाँ पे बीप हो रहा है वहाँ पे हमको सवाल करना होता है। क्या करना होता है? हम लोग सवाल नहीं करते, सवाल करना चाहिए कि वहाँ पे अभी, अगर यहाँ पे अभी बीप हुआ, जेब में क्या है, कोई मोबाइल रखा रहेगा, कोई चाबी रखा रहेगा, कोई वैलेट रखा होता है, तो ये सारी चीज़ें हमको पूछनी चाहिए उनको। जब तक हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तब तक हमको क्या करना है, उनसे मांगना है, पूछो निकाल के दिखाइए, चाहिए तो आप टेबल पे भी उनको रखवा सकते हैं, नहीं तो उनके हाथ में ला सकते हैं। उसके बाद में आप लोग चेक करोगे, समझ गए, उसके बाद में आप चेक करोगे। अभी इन्होंने ये किया, चेक करने के बाद कहाँ पे बजा, जहाँ पे उनका ईयरफोन है, बराबर। ये सारी चीज़ें मेटल की है, जो हमें दिखता है वो हम लोग क्या करेंगे, दिखता है वो, जो नहीं दिखता है जेब में है वो हम लोग क्या करेंगे, उनसे
दिखाने के लिए बोलेंगे, कड़गा हाँ। जैसे ही हमें पता चलता है कि यहाँ पे बीप हुआ, वहाँ पे बीप हुआ, पीछे बीप हुआ, हम लोग को सवाल करना है और एक ही टाइम पे एक ही व्यक्ति यहाँ पे आएगी और दूसरा अगर व्यक्ति आता है तो आपको क्या करना है, उनको रुकाना है। रुकिए सर, मुझे इनको चेक करना है, ये हमें आवाज़ देना है। हम लोग क्या करते हैं, सब लोग को इकट्ठा करते हैं, हम लोग बोलते नहीं है, समझ गए। आप लोग को क्या करना है, अगर आपको लगता है कि भीड़ हो गई है तो उनको रुकिए कहे, समझ गए। और लेडीज़ के लिए अलग से रो है, नहीं तो हमारा जो चेकिंग पॉइंट है उसमें से उनको जाने के लिए बोल सकते हो आप लोग, समझ गए। ये जो मॉल एंट्रेंस पे लेडीज चेकिंग बॉक्स है उसके अंदर से उनको जाने को बोल सकते हो। तो हमें हमारा ध्यान रहना चाहिए, समझ गए। अगर आप हाईलैंड कॉरपोरेट सेंटर में होते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग, हमारा टेबल कहाँ पे है और हम लोग बैठे कहाँ पे, पीछे के साइड में। तो कोई सामने से आएगा तो पहले क्या होगा, उनको विश करना ज़रूरी, यानी सामने से आप विश करोगे कि आप लेफ्ट में रहोगे तो विश करोगे, आप सामने रहोगे, यानी आपको दिखेगा वो स्टेप से कैसे चलते हैं ऊपर। और चलने के टाइम सामने जब आते हैं तो आपको वेलकम करना है, वेलकम टू हाईलैंड कॉरपोरेट सेंटर, समझ गए। गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, समय के अनुसार आपको बोलना है। उसके बाद में मुझे आपको चेक करना है, तो बैग आप पहले चेक कीजिए, बैग लेडीज चेक कर सकती है वहाँ पे, और जेंट्स क्या करेगा, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से वहाँ पे चेक करेंगे। वहाँ से सिद्धि का स्टाफ जो आता है, सिद्धि ग्रुप जो हमारे कंपनी का स्टाफ है, उनको आपको चेक नहीं करना है, उनको वो अगर डीएफएमबी के बाजू से जाते हैं तो उनको जाने देना है, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि कोई अज्ञान आदमी है, बराबर है, वहाँ पे कोई इंटरव्यू के लिए आया रहेगा, तो हम लोग को क्या करना है, हमारे पास वो रजिस्टर है कि नहीं, रजिस्टर है ना, वहाँ पे रजिस्टर में क्या करना है, एंट्री करना है, क्या करना है, एंट्री करना है। और एंट्री करके उनको पूछताछ करना है कि आपको कहाँ जाना है और क्या करने के लिए जाना है। कोई कोई चंदा मांगने के लिए भी आते हैं, समझ गए, फिर भी हम लोग छोड़ते हैं। तो ये ऐसे चीज़ों से आपको ध्यान में रखना है। अभी हमने फर्स्ट फ्लोर वॉशरूम में देखा, हम लोग चेक किस तरह से करना है आपको पता होना चाहिए। दारू की बॉटल भी आती है इसके अंदर मॉल के प्रीमाइसेस में, वो कहाँ से आती है, वो पार्किंग से आती है या फ्लोर से आती है, वो आपको चेक करना है। कोई भी आता है तो पहले हमें उनको स्टॉप करना है, रुकिए सर यहाँ पे आइए, गुड मॉर्निंग सर, हाँ तो ऐसे कीजिए, तो ये बोलना है हमको। हम लोग बोलते नहीं है, बोलेंगे तो कोई भी रुक जाता है, स्टॉप बोलेंगे तो स्टॉप हो जाता है, मगर हम बोलते नहीं है। कोई स्पीड से आता है तो पहले उनको स्टॉप करना है, स्टॉप करने के बाद एक्सीलेटर से दौड़ते भी है वो लोग, तो आपको समझना चाहिए ये आदमी यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया, आगे जाके वो दौड़ेगा तो नहीं दौड़ना चाहिए। उसके लिए उनको पहले ही बोलना है यहाँ से कोई भी दौड़ेगा नहीं, एक्सीलेटर के ऊपर हम लोग सिर्फ खड़े रहेंगे, जो चालू नहीं है उसके ऊपर से आप चल सकते हो, मगर जो चालू है उसके ऊपर आपको स्ट्रेट खड़े रहना है और फेस फॉरवर्ड यानी सामने आपको देखना है। कोई कोई टेढ़ा खड़ा होता है, फिर बाद में उसके ऊपर बाजू में रेलिंग्स है उसके ऊपर पैर रखते हैं, तो ऐसे चीज़ों से पहले ही इनको यहाँ पे आप बोल सकते हो, समझ गए। कोई अगर दौड़ के आता है तो उनको रोक सकते हो, रोकने के बाद अपना चेक कर सकते हो, उसके बाद आपको एक्सीलेटर से आपको चलना नहीं है ना दौड़ना है, आपको सिर्फ खड़े होके सामने देख के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। एक्सीलेटर खुद बढ़ेगा, आप खुद बढ़ जाओगे, लेकिन हमें वहाँ पे क्या करना नहीं है, उनको दौड़ाना नहीं है। कोई चलने की कोशिश करता है तो चलना नहीं है, जब वो एक्सीलेटर खुद चलता है तो हमें उनको सिर्फ एक्सीलेटर के ऊपर सिर्फ खड़े रहेंगे, ठीक है, समझ गए सब लोग। हमारी चेकिंग इस तरह से होना चाहिए कि कोई भी शख्स पान तंबाकू गुटखा, अभी कल मैंने देखा था कहाँ पे, किसका, पानी वाला का जो बंदा था, मुंह में गुटखा लेके अंदर जा रहा है, अगर हमें दिखाई देता तो हमको रोकना चाहिए,
रोकना चाहिए कि नहीं, समझ गए? ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ो जो हमारे बिग बाजार की ट्रॉली है, जो पहली थी बिग बाजार की ट्रॉली, वो ट्रॉली भी यूज़ करते हैं, वो हमारी ट्रॉली है, हमारी ट्रॉली उनको देना नहीं चाहिए। तो ऐसे चीज़ें जो है वो हमें रोकना चाहिए। अगर सर्विस लिफ्ट बंद होती है तो आप वहाँ पे इमरजेंसी भेजना नहीं है कि भाई जाओ वहाँ से, आपको स्टेप चलो। सर्विस लिफ्ट खराब किससे वजह से होती है? उनके ही वजह से होती है। तो चांस नहीं देना कि हमको ये एक सामने से कैप्सूल लिफ्ट से जाइए, वहाँ से पैसेंजर सिर्फ जाएंगे, जो वजन उठा के जाते हैं वो लिफ्ट हाउसकीपिंग से साफ किया जाता है, मेंटेनेंस से उसका मेंटेनेंस होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आके गंदा करे और कोई भी आके उसकी तोड़फोड़ करे। तो वो स्टेनलेस स्टील से बनाया हुआ है। सर्विस लिफ्ट किसे बनाई होती है? वो हिसाब से बनी होती है ना, लोखंड की बनी होती है ना वो। तो सर्विस लिफ्ट में सिर्फ लगेज माल वहाँ पे जाना चाहिए, और पैसेंजर लिफ्ट में सिर्फ पैसेंजर जाएगा, उसके हाथ में कैरी में बैग रहेगा तो ये बैग लेके जा सकता है। समझ गए सब लोग? यस सर। कोई भी आज़ादी देना नहीं चाहिए, तुला लक्ष्य डाला पाइजिए, है कि नहीं? उसने तो आप बोलोगे हाँ भेज दिया, फिर बाद में इसका फ़ोन उसका फ़ोन, अपने को फ़ोन नहीं लेना है। जब भी बंद है तो बंद है, हम लोग बुलाएंगे सर्विस लिफ्ट वाले को, और सर्विस लिफ्ट वाला जब तक आएगा नहीं तब तक आप, हाँ, और हमारी ताकत होना चाहिए लेबर गेट पे। कोई भी राइटर के लोग आते हैं, ये बैग गिराते हैं, अपट्टे आवाज करते हैं, शोर मचाते हैं, ये सारे चीज़ें से आपको बोलना चाहिए कि यहाँ पे शोर मत करो, यहाँ पे एक लाइन में अपना बैग रखो, पूरा रोड ब्लॉक मत करो, दरवाज़ा सही ढंग से बंद करो। ये सब चीज़ें हमें बोलना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कोई आएगा पेपर एंट्री करेंगे बस। लिखा पढ़ी का काम सिर्फ नहीं होता है, सिक्योरिटी का काम है, रोकना टोकना भी होता है। सामने वाले का ये नहीं करना है, सिर्फ सामने वाले का सिर्फ स्वागत नहीं करना है। स्वागत करेंगे तो पहले स्वागत करेंगे मगर पूछताछ वापस करेंगे, पूछताछ करेंगे और उनसे सवाल जवाब करेंगे अगर अज्ञान आदमी है तो। और कोई शोर करता है, कोई गलत काम करता है, उसके वजह से अगर हमको तकलीफ है, सबको तकलीफ है, तो हमें क्या करना चाहिए, उनको माफ़ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूँ मगर यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। किसी को बोलना है, रोकना है, टोकना है, मगर प्यार से मगर खबरदारी से उनको समझाना भी है। अगर हम लोग नहीं समझाते तो हमारी ज़रूरत क्या है? सुरक्षा रक्षक उस जगह की सुरक्षा करने के लिए, अगर हम लोग सुरक्षा नहीं करेंगे तो क्या मतलब है? तो ये सारे चीज़ों से हमें ध्यान में रखना है। हाउसकीपिंग सब जगह पे क्लीनिंग करती है, हर कोने कोने में जाती है, वैसे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र भी हर कोने कोने में जाना चाहिए। कोई भी कहीं पे भी नमाज पढ़ता है, ये जगह उसके लिए नहीं बना है, जिसके लिए बना है। स्टेयरकेस किसके लिए बना होता है? स्टेयरकेस किसके लिए बना होता है? फायर एग्जिट डोर, अगर आग लगती है तब उस फायर एग्जिट डोर से कहाँ पे जाना होता है? स्टेयरकेस में जाना था। हमें लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना, उसी के लिए वो स्टेयरकेस बना गया है। और स्टेयरकेस बना है तो चलने के लिए, उतरने के लिए, जो स्टेयरकेस है चलने के लिए और उतरने के लिए। वहाँ पे कोई रुकेगा नहीं, वहाँ पे कोई बैठेगा नहीं, वहाँ पे कोई खाना नहीं खाएगा, ना कोई नमाज भी पढ़ेगा, वहाँ पे सिर्फ आना और जाना होना चाहिए अगर ज़रूरत है तो। नहीं तो लिफ्ट का इस्तेमाल करना है, नहीं तो एक्सेलेटर का इस्तेमाल करना है। ये हमारे सुरक्षा रक्षकों को मालूम होना चाहिए कौन से वक्त पे, दोपहर के वक्त में होता है, सुबह के वक्त में होता है। हमारा दौड़ना होना चाहिए, हमारी आवाज़ पहुंचने चाहिए। यहाँ पे कोई बैठेगा नहीं, स्टेयरकेस से हम लोग राउंड मारते हैं तो मेरी आवाज़ पहुंचती है वहाँ पे। यहाँ पे कोई बैठेगा नहीं, ना कोई रुकेगा, समझ गए? ये सारी चीज़ें अगर हम लोग बोलते हैं तो ही हम लोग सुरक्षा रक्षक है। समझ गए सब लोग? सुरक्षा रक्षक का काम, कोई भी गेस्ट सामने से आता है तो हमें उनके सामने खड़े रहना है,
उनके आंखों से आंखों मिलाना है, उनको विश करना है, उनका वेलकम करना है, फिर बाद में उनको हमें चेक करना है, मुझे आपको चेक करना है सर, इस तरह से हाथ कीजिए, ये आवाज़ ये हमें बात करना चाहिए। अभी मुझे सुरक्षा रक्षक से आवाज़ नहीं आ रही है कि नहीं, वेलकम टू हाई स्ट्रीट मॉल, बैग यहाँ पे रखिए, बैग चेक कीजिए, बैग की चेन ओपन कीजिए, बैग कंधे पे कोई नहीं चेक करेगा, जो भी चेक करेगा वो टेबल पे रख के ही चेक करेगा, आवाज़ जब हम करेंगे तो सामने वाला दौड़ेगा नहीं, वो बराबर रुका रहेगा, समझ गए। ये ध्यान में रखते हुए इस तरह से हमें क्या करना है, काम करना है। कोई स्पीडिंग करता है तो तकलीफ किसको है, हाउस कीपिंग को है। तो आपको समझना चाहिए, कोई भी पान गुटखा खा के, सुरक्षा रक्षक भी पान गुटखा तंबाकू कोई भी खाएगा नहीं, समझ गए। जो भी खाएंगे हम भी अपना, अगर आदत है तो अपने घर पे खाए, मगर यहाँ पे कोई भी लेके भी नहीं आएगा, जो लेके आएगा उस दिन का समझ गए ना। तो बात को समझो, हमेशा शेविंग करना चाहिए, वो हिसाब से आपको सुरक्षा रक्षक को आना है, ठीक है। किसी को तकलीफ हो इस तरह से हमें काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। सबको समझ में आए, सिर्फ बैठे नहीं रहना है हमारे DFMD के सामने, जैसे ही कोई गुजरता है वहाँ से, चाहे कोई भी हो, हमें खड़े रह के उनका स्वागत करना है, चाहे वो दोबारा आए या तिबारा, मगर उनके सामने हमको खड़े रहना है, उनका स्वागत करना है, उनको विश करना है, समझ गए। और उनका अगर बैग है तो बैग चेक करना है, ठीक है। सबको सब समझ में आया। हमारी अभी हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं, आपको इसकी बारे में जानकारी है, इस फायर एक्सटिंग्विशर को क्या बोलते हैं, कौन सा है ये, CO2 का फुल फॉर्म क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, गैस है। वो कहाँ पे यूज होता है, कौन सी आग बुझाने के लिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए, और पेट्रोल डीजल केरोसिन की आग बुझाने के लिए, गैस की आग बुझाने के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद में हमारे पास कौन सा ये फायर एक्सटिंग्विशर, आपने देखा इसका ये किधर है, होस पाइप किधर है, इसका होस पाइप किधर है, हमारा ध्यान नहीं है इसका, मतलब हमने लेके आए और ये किया, उसका होस पाइप है जो अभी नया है, यानी हमारी चीजें के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए, हमारा ध्यान होता नहीं है, हम लोग राउंड मारते हैं मगर क्या देखना है वो नहीं पता चलता है, समझ गए। ये सारे चीजों के ऊपर अगर आपका ध्यान होता तो मुझे पता चला अभी मैं मारूंगा तो कैसे मारूंगा, उसका होस पाइप कहाँ पे है। तो ये हमारा ABC फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी ए क्लास के लिए, बी क्लास के लिए, और सी क्लास के लिए। और ये दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर है जो क्या करना होता है, लीवर नहीं है वहाँ पे, उसको प्रेस करना होता है, ठीक है। और उसके बाद में ये भी सेम है, आप देख सकते हो ये ABC फायर एक्सटिंग्विशर और ये फायर एक्सटिंग्विशर, इसका आप देख रहे हो, ये अभी रिफिल किया हुआ है, कभी 8 मार्च को, और उसके पहले 8 अप्रैल को के पहले क्या हुआ है, एक्सपायर नहीं हुआ है, उसका पाइप निकल गया है ना, उस पाइप कहा गया उसका ढूंढो अभी। से जो आता है उनका चेकिंग होना ही चाहिए, मगर चेक करने के लिए हमारी उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा रहना चाहिए, मगर आवाज़ होना चाहिए, समझ गए। जिस तरह से वेलकम टू हाई स्ट्रीट मॉल, गुड मॉर्निंग सर, यहाँ पे बैग रखिए और यहाँ पे चेक कीजिए, तो ये आवाज़ आपकी रहेगी तो ही आपको सुनेगा, नहीं तो कोई आपको नहीं सुनेगा। ये ध्यान रहे, मुखड़ा हमारा 12 बजना नहीं चाहिए, समझ गए। स्माइलिंग होना चाहिए कि सामने वाला प्रसन्न हो और आपको चेक करें, समझ गए। 1, 2, 4, 5, 10, 12 दिन भर में आएंगे ही, मगर इसका मतलब नहीं है कि हमें चेक नहीं करना है, मगर पहले स्वागत करोगे तो कोई भी आपको चेक करने के लिए आज़ादी देगा, समझ गए। जो VIP पर्सन है मैंने आपको बताया, उनको जाने देना ही है,
नहीं तो उनको आप रोकोगे और तकलीफ दोगे, क्योंकि हमारी जो बोलने की आवाज़ की जो चाहिए पर्सनैलिटी चाहिए वो हमारे पास नहीं है, इसके लिए हमें तकलीफ होती है। मैं जब आता हूँ तो कोई रुकता नहीं है क्या? रुकता है कि नहीं? लेकिन हम लोग बोलते नहीं है, मेरी जिस तरह से आवाज़ है उस तरह से आपकी आवाज़ नहीं है, वो होनी चाहिए। समझ गए? जिस तरह से मेरी पर्सनैलिटी है उस तरह से आपकी होनी चाहिए। कुदरत ने दिया हमको छोटा, हाइट कम है तो पर्सनैलिटी हमें दिखती नहीं है, मगर मुंह टेढ़ा रहेगा तो सामने वाला और चिढ़ेगा। समझ गए? तो वो हिसाब से हमको बात करना होता है। उनको विश करने के लिए स्माइल करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, उसके बाद में हर एक आदमी आपको चेक करने के लिए आजा देगा। नहीं तो बाद में आप क्या करते हो, बाद में बीच में छोड़ देते हो और फिर बाद में दूसरे देखते हैं फिर कि ऐसा हो रहा है, मैं भी क्यों चेक करूँ। आप लूज रखोगे वहाँ पे आपका खात्मा हो जाएगा। समझ गए? तो जिस तरह से आप सबको चेक करोगे और कोई नहीं चेक करता है तो प्यार से आप काम करवा के लोगे उनसे, तो आपको शाबाश की खुद देना चाहिए। समझ गए? आप खुद ही अपने आप को शाबाश की दोगे, हाँ ठीक है कल नहीं चेक करते थे लेकिन मेरी काम की, मैंने जो काम किया है उसकी मैं प्रशंसा मैं खुद करूँगा, क्योंकि मैंने उनको मना लिया। क्या कर लिया? मैंने उनको मना लिया चेक करने से। समझ गए? तो ये सब अगर चीज़ें करते हो तो आपको खुद को प्रशंसा अपने काम की कर सकते हो। कोई दूसरा आए ना आए लेकिन हमारे काम की प्रशंसा हम खुद करेंगे, इसके लिए मनाना हमको आना चाहिए। सामने वाले को मनाना आएगा वो दिन आप आगे बढ़ोगे। समझ गए? ठीक है, और कोई कुछ सवाल? ऐसा निभा फर्ज तेरा के देखता जहाँ रहे के पता चले, दुनिया को भी क्या बात है ये देश में जो खुद का।